गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज डेट हो चुकी है 7 जुलाई और आज है संडे, और संडे के दिन भी ना मेरे काम आज टाइम से ही पूरे हो चुके हैं, और घर में जो भी काम होते हैं ना मॉर्निंग के सारे ही पूरे कर चुकी हूँ, और मैं नहा भी चुकी हूँ। बस हमारे घर में एक ही आलसी इंसान है जो कि बेड से उठने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग देखिए वो आलसी इंसान कौन है। तो ये है वो आलसी इंसान जिनको ना मैं इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। यार उठ जाओ ना, संडे है यार, सुन दे। अब आप ही बताओ, संडे है तो क्या हम टाइम से नहीं उठेंगे? और आपको पता है टाइम हो भी कितना चुका है? कितना हुआ है? 1 बजने वाला है। एक ही तो बजा संडे आज। और आज ना दीदी भी घर आने वाली है, और इतनी देर से मैं इनको उठा रही हूँ कि आप उठ जाओ, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, जबकि इनका अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ है। हम सबका लंच का टाइम हो चुका है और मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि आप उठ जाओ, जिससे कि हम लंच रेडी कर पाए। और मैं ना आज इनसे ही लंच बनवाने वाली हूँ। आज आप ही बनाओगे? आज संडे है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, ये ना चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। चिकन ही नहीं, ध्रुव के पापा सारा ही खाना अच्छा बनाते हैं नॉन वेज में। तो आज मैंने ना इनसे ही बोला यही लंच बनाएंगे दीदी के लिए। आप भी बनाओगे? मैं नहीं बनाऊंगा संडे है। आज यही लंच बनाएंगे। आप लोगों को ना आज यही दिखने वाले हैं व्लॉग में लंच बनाते हुए, क्योंकि मैं इनसे ही बनवाने वाली हूँ। आप लोग देखिए 1 बजने वाला है, ना तो इन्होंने नाश्ता किया है ना ये नहाए हैं, बस ये यही बोले जा रहे हैं आज है संडे, आज है संडे। और संडे के दिन ही कोई ना कोई जरूर आता है घर पे, और घर अगर हम लोग ही अच्छे से नहा धोकर नहा मिले सबको तो अच्छा नहीं लगता ना। और इतनी देर से मैं इनको भी यही चीज बोल रही हूँ, लेकिन ये तैयार हो ही नहीं रहे हैं उठने के लिए। लेकिन मैं इनको उठाऊंगी भी और इनसे ही आज लंच भी रेडी कराऊंगी दीदी के लिए। तो गाइस, दीदी लंच टाइम तक आने वाले हैं, यानी कि 2 या 3 बजे तक दीदी आ जाएंगी, क्योंकि दीदी ने बोला था लंच टाइम पे मैं घर आऊंगी, और लंच भी मैं घर पे ही करने वाली हूँ। और आज मैं लंच रेडी करवाने वाली हूँ इनसे, क्योंकि आज मुझे ध्रुव के पापा के हाथ का ही चिकन खाना है। तो चलिए गाइस, मैं इनको उठाती हूँ और इनको नाश्ता वगैरह कराती हूँ, और फिर करवाती हूँ ध्रुव के पापा से लंच रेडी। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, दीदी आने वाली हैं लंच टाइम तक, तो यहाँ पर दीदी आ चुकी हैं और मैं लगाने लगी हूँ दीदी और नितिन जी के लिए नाश्ता, और साथ ही में आई है हमारी छोटी सी बाबू जो की है चंदा, ध्रुव की बहन। तो यहाँ पर सभी नाश्ता करेंगे, उतनी ही देर में ध्रुव के पापा और मैं हम दोनों ही कर लेंगे लंच रेडी। और लंच आज बनाने वाले हैं ध्रुव के पापा, क्योंकि मैंने ना बहुत ज्यादा जिद की थी कि आप ही लंच बनाओ, तो ध्रुव के पापा ना मान गए हैं मेरी जिद को, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम जिद करते हैं तो सामने वाले इंसान को भी अच्छा लगता है और वो उस चीज को मान भी जाते हैं। तो वैसे ही ध्रुव के पापा ने भी मेरी इस जिद को माना और वो बोल रहे हैं कि ठीक है आज लंच मैं रेडी कर देता हूँ, तुम्हारी आज किचन से छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ, सभी ने नाश्ता किया, और उतनी ही देर में आप लोग देख सकते हैं जो हमारी छोटी सी बाबू है उसके साथ मैं करने लगी हूँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ टाइम बिताने में। गाइस, दीदी आ चुकी है घर और आप हमारी छोटी बाबू को देख सकते हो, छोटी बाबू कितनी ज्यादा क्यूट हो चुकी है ना बाबू। हमारी छोटी बाबू का नाम ध्रुव ने रखा है चंदा, और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था ध्रुव के पापा आज लंच रेडी करेंगे, तो यहाँ पर ध्रुव के पापा कर रहे हैं लंच रेडी, और लंच में ध्रुव के पापा बनाने वाले हैं चिकन। तो गाइस, यहाँ पर रखा है हमारा चिकन और यहाँ पर ध्रुव के पापा कर रहे हैं चिकन रेडी। तो आज आपको कैसा लग रहा है चिकन बनाकर? अच्छा। इसे कहते हैं बिना मन के कुछ काम करना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब उसके पापा डालेंगे चिकन और फिर हमारा हो जाएगा बनकर चिकन रेडी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव के पापा बिना मन के ही आज लंच रेडी कर रहे हैं, और दीदी आ चुकी है। दीदी गई है मार्केट कुछ काम से, और यहाँ पर छोटी बाबू है मेरे पास। और आप लोगों को ना मैं अपनी किचन की भी हालत दिखाती हूँ, जिसमें ध्रुव के पापा ने कैसी की है। तो गाइज, आप लोग हमारी किचन की हालत देख सकते हैं इस टाइम कितनी ज्यादा खराब है। जब भी ध्रुव के पापा किचन में काम करते हैं ना, तो किचन की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। लेकिन अब मैं किचन को थोड़ा ठीक करूंगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं ध्रुव के पापा यहाँ पर अपना लंच रेडी कर रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर ध्रुव के पापा ने अपना जो चिकन है वो ऐड कर दिया है मसाले में, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में। और मैं आप लोगों को बनने के बाद भी दिखाऊंगी चिकन कैसा लगने वाला है। तो गाइज, हमारा लंच भी रेडी होने ही वाला है, और आज सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे किचन से छुट्टी मिली है, और किचन से छुट्टी मिलने के बाद मिली है मुझे हमारी छोटी बाबू संभालने के लिए, क्योंकि दीदी गई है मार्केट किसी काम से। और जैसे ही दीदी आएंगी मैं आप लोगों को दीदी से भी मिलवाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव है अपनी बहन के साथ खेलने में लगा हुआ है, और मैं कर रही हूँ अपनी बाबू के साथ टाइम स्पेंड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ टाइम स्पेंड करने में।
मैं ना छोटी बाबू को लेकर आ गई थी रूम में, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही, दीदी गई है मार्केट, कुछ काम है दीदी को मार्केट में, तो दीदी मार्केट गई हैं। जैसे ही दीदी आएंगी मैं आप लोगों को दीदी से भी मिलवाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक चीज देखकर कि ध्रुव ना अपनी बहन को बहुत ही प्यार से खिला रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों का इस तरीके से प्यार देखकर। बुग्गा दे दे इसे। कैसी है तेरी बहन? अच्छी है। यहाँ पर ना ध्रुव अपनी बहन को बहुत ही प्यार से खिला रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को इस तरीके से देखकर, क्योंकि ये दोनों ही बहुत छोटे हैं और दोनों ही आपस में इस तरीके से खेलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तक तो ध्रुव ही हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन जब से छोटी बाबू आई है तो ध्रुव भी बड़ा हो चुका है और वो बड़े भाइयों की तरह उसका ध्यान भी रखता है, कहीं उसकी बहन को चोट ना लग जाए या वो गिर ना जाए। तो बार बार वो बोलता भी रहता है कि तू गिर मत जाइयो, तेरे चोट लग जाएगी। इस तरीके की चीजें ना ध्रुव से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अब मैं जाऊंगी किचन में और देखती हूँ ध्रुव के पापा ने जो लंच रेडी किया है वो कैसा है। तो गाइस चिकन बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ ध्रुव के पापा ने जो चिकन बनाया है ना, वो कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। गाइस आप लोगों ने देखा ही, चिकन ना दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और मुझे ना चिकन देखने के बाद लग गई है भूख। तो मैं सभी के लिए लंच सर्व करूँगी और मैं भी लंच करूँगी सभी के साथ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के बाद। तो गाइज लंच वगैरह करने के बाद हम लोग लग गए थे अपनी बातों में, क्योंकि होता है ना हम लोग काफ़ी टाइम में मिलते हैं तो अपनी बहुत सी बातें हो जाती हैं करने के लिए। तो दीदी मैं मम्मी जी हम लोग लग गए थे बातों में, और उन बातों ही बातों में कब दीदी के घर जाने का टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर दीदी जाएंगी घर और आप लोग देख सकते हैं ध्रुव अपनी बुआ से दूर जाने से ना कितना ज़्यादा परेशान होता है। जब भी दीदी घर जाती है ना तो ध्रुव इस तरीके से ही रोता है और वो मना भी करता है कि आप घर मत जाओ, छोटी बाबू को भी मत लेकर जाओ, लेकिन दीदी को घर तो जाना ही होता है। तो दीदी यहाँ पर ध्रुव को समझाने लगी हैं कि मैं फिर से आ जाऊंगी या तुम ही मेरे घर आ जाना। आप लोगों ने देखा ये ध्रुव दीदी के जाने से ना कितना ज्यादा परेशान हो जाता है। तो दीदी को बहुत ज्यादा ही समझाना पड़ता है कि तुम ही मेरे घर आ जाना या मैं वापस से आ जाऊंगी, क्योंकि बच्चा है, बच्चा अपनी बुआ के जाने से परेशान होता ही है और अब तो साथ में उसकी छोटी बहन भी है, तो उसे लगता है कि ये मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी ने ध्रुव को समझाया लेकिन ध्रुव बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा था। तो फिर ध्रुव के पापा ध्रुव को लेकर गए थे टॉय शॉप पर, वहां से ध्रुव को उन्होंने टॉयज दिलाए और यहाँ पर ध्रुव टॉय लाने के बाद थोड़ा सा तो खुश हो चुका है और साथ ही में वो लेकर आया है अपने लिए आइसक्रीम, जो कि वो आप लोगों को दिखाने वाला है। और ये वाली बाल्टी और ये ना मैंने पहले भी ली थी। अच्छा, और ना और ये घुमाने वाला। ओहो, इतनी सारी चीजें? हाँ, क्यों? तैरने वाले के लिए। दिखाओ। आइसक्रीम भी लेकर आयो? क्यों लेकर आयो ये दो दो आइसक्रीम? आज तो ध्रुव दो दो आइसक्रीम लेकर आया है। तो गाइस दीदी जा चुकी हैं घर और दीदी के जाने से ना ध्रुव बहुत ज्यादा ही रोने लगा था, तो इसीलिए ध्रुव के पापा ना ध्रुव को बहुत सारा ही टॉयज दिलाकर लेकर आए हैं और साथ ही में दिलाकर लेकर आए हैं आइसक्रीम। तो ध्रुव ना ये वाला न्यू टॉय लेकर आया है, इसको ना ओपन करके देखते हैं इसके अंदर से टॉय कैसा निकलने वाला है। तो गाइस जो ध्रुव टॉय लेकर आया है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अब मैं इसको असेंबल करके देखूंगी ये किस तरीके से स्टार्ट होता है और ये किस तरीके से स्टार्ट होकर चलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ध्रुव के पापा बोल रहे हैं इसके अंदर लाइट भी जलेगी, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने ज्यादा अच्छा लग रहा है चलने के बाद। बच्चे बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं इस तरीके के टॉयज पाकर। तो गाइस आज का जो हमारा ये व्लॉग है उसे मैं करूंगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारे नए नए व्लॉग्स आए उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।